अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां कांकेर के भानु प्रतापपुर विकास खंड के ग्राम कच्चेक में आरी डोंगरी के नाम से प्रचलित पहाड़ी, जिसमें गोदावरी अस्पताल संयंत्र का ठेका चल रहा है और इसमें आयरन युक्त पत्थर का सप्लाई होते जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के तमाम गाड़ी मालिकों का गाड़ी लगा हुआ है। जी हाँ, इस माइस में कुछ नामचीन वीआईपी लोगों का की भी गाड़ियां लगी हुई हैं, जो विगत 2009 से चली आ रही हैं। आपको बता दें कि परिवहन व्यवसाय कल्याण संघ कच्चे में लगभग 186 गाड़ियां चल रही हैं, जिसमें जमीन दबने के एवज में शैलेंद्र की गाड़ी डायरेक्ट कंपनी के माध्यम से चलती है। उसी तरह झुमू कलाल की भी गाड़ी डायरेक्ट कंपनी के माध्यम से चलती है, जिस पर ग्राम के कुछ लोगों के द्वारा माइंस प्रबंधन मैनेजमेंट कर्मचारी के झा से मिलकर दो गाड़ियों को माल परिवहन कराना बंद कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें, जिससे उनके जीविका उपजन हेतु दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार माइंस प्रबंधन के साथ गाड़ी मालिकों का वाद विवाद भी देखने को मिला है और अब फिर दो गाड़ियां मालिक शैलेंद्र पुनिया झुमू कलाल कोड़ो की गाड़ियों को 6 नवंबर से आज तक खड़ा कर रखा है, जिसके चलते गाड़ी की किस्त व परिवार का पालन पोषण करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे तंग आकर आत्महत्या करने का कोशिश भी की गई। वहीं आपको बता दें कि शैलेंद्र पुनिया और झुमू कलाल कोड़ो को गाड़ी का मासिक किस्त बटाने को फाइनेंस कंपनी से बार बार फोन कर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि आत्महत्या करने से पहले दोनों ट्रक मालिकों के द्वारा बकायदा चौकी प्रभारी पुलिस चौकी कच्चे और गोदावरी माइंस प्रबंधन को एक पत्र व्यवहार किया गया, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि हमारी गाड़ी को परिवहन करने नहीं देने के चलते जीविका उपार्जन को दिक्कतें हो रही हैं, इस कारण हम आत्महत्या करने को मजबूर हैं। जिन्होंने हमारी गाड़ी को परिवहन करने से वंचित किया है, उनके ऊपर FIR दर्ज कर सख्त से सख्त कानून कार्रवाई करें। गाड़ी 10 साल से यहाँ 10 वर्ष से मेरी गाड़ी यहाँ चल रही है। कंपनी और मेरा दोनों का और सभी समझौता हुआ था, सभी संघों की सहमति द्वारा मेरा गाड़ी यहाँ चलाया गया। कुछ 6 नवंबर को कुछ आदमी द्वारा हमारे गाड़ी को रोक दिया गया है। 10 वर्ष से अपना गाड़ी यहाँ चल रही थी, किसी को आपत्ति में कुछ लोगों को हमारी ज़मीन इतना प्रभावित थी, इसलिए कंपनी हम लोगों का समझौता किया और सभी संघ के साथ हमको गाड़ी को सब को किया, स्टार्ट किया। अचानक 6/11/2019 को कुछ लोग आके उसको गाड़ी को रुकवा दिए, जिससे हमारा रोजगार चलता था इस गाड़ी से, उस रोजगार से हम अंचित हो गए। हम लोग इतना मानसिक रूप से हम इतना प्रताड़ित होते हैं हम लोग, किसे इस कारण हम लोग आत्महत्या करने के हम लोग कोई रास्ता ही नहीं है। LJ 7407, मेरा किसानी ज़मीन जिसका मैं किसानी करके अपना परिवार का और खुद का जीविका वर्तन कर रहा था, जो कि 32 हेक्टेयर ज़मीन जो लीज में कंपनी द्वारा लिया गया, तो उसके साइड में लगा हुआ ज़मीन था, उसको कंपनी द्वारा खराब मटेरियल डंप करने के लिए मांगा गया। उस समय मेरे ज़मीन पर हल्दी का पौधा लगा हुआ था, माइंस प्रबंधन जाकर मौका का मुआयना भी किए और मेरे साथ चर्चा किए कि आपका ज़मीन हमको रॉ मटेरियल के रखने के लिए चाहिए करके, तो मैं बोला आप मेरे को ज़मीन के बदले ज़मीन दे दीजिए साहब, क्योंकि मैं किसानी करने वाला किसान हूँ, उसी से मैं अपना परिवार का पालन पोषण करता हूँ। तो कंपनी प्रबंधन के झा द्वारा कहा गया कि आप एक गाड़ी लीजिए, वो गाड़ी डेली एक ट्रिप कच्चे से रायपुर परिवहन के लिए दिया जाएगा, जिससे आपका जीवन चलेगा और रोज़गार का सुविधा उपलब्ध होगा करके। उनके बात को मैं मानकर एक ट्रक लिया और जो विगत 4 वर्षों से चल रहा था और विगत 6 नवंबर को कच्चे के कुछ ग्रामीणों द्वारा जितेंद्र जयसवाल, सतीश श्रीवास्तव, कांति हिड़को, सजनी जैन, जीवराखन सलाम, गोमती भुआर, मनीष पठारिया द्वारा आकर मेरी गाड़ियों को लोडिंग से मना कर दिया गया। इस बात को मैं के झा प्रबंधक जो माइंस के उनको भी अवगत कराया, लेकिन वो भी मेरे गाड़ी के संबंध में जो बात है उनको ध्यान नहीं दिए। इसमें उनका भी मिली भर साफ जाहिर होता है और किस्त वालों का भी गाड़ी किस्त में है, फाइनेंस कंपनी में है, तो फिर उनका भी फ़ोन लगातार आ रहा है, जिससे मुझे आर्थिक एवं बहुत ही मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पैसा लेने के लिए खोजते हैं मेरे को और मेरा जीवन पूरा इस गाड़ी से चल रहा था, मेरे जीवन का एक ही जरिया था जिसको बंद कर दिया गया है। तो मैं इस सब से तंग आकर आज
कच्चे पुलिस चौकी और गोदारी माइंस कंपनी कच्चे को सूचना दे दिया हूं कि मैं इन सब परेशानियों से तंग आकर आत्महत्या करूंगा, जिसके जिम्मेदार उक्त व्यक्ति रहेंगे, जिनका नाम मैं लिया हूं और कंपनी के प्रबंधक के झा रहेंगे करके। अगर मुझे कुछ होता है तो मैं इन लोगों के विरुद्ध सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।